हरिओम, अभी मैं गद्दी भेड़ पालकों को ढूंढते हुए आया हूं और पहाड़ी के अभी टॉप पे हूं। वो काफ़ी नीचे हैं, उनकी मुझे सीटी सुनाई दी। ये है इनका डॉग, देखिए कितना शानदार है। और एक ये है, बहुत दमदार कुत्ते हैं दोनों ही। ये देखिए फेस, देखिए आप इसका। और वहाँ पे जख्म हुआ है इसको, पता नहीं कैसे। ये देखिए दोस्तों इसका साइज। देखिए कितने फ्रेंडली हैं, मैंने हाथ रखा है इसके सिर पे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ईवा जैसा कलर है इसका भी, देखिए। देखिए दोस्तों कितनी प्यारी बकरी है, ये शानदार है। लंबे लंबे कान और सींग देखिए कितने प्यारे हैं इसके। डर रही थी ये, ऐसे ही ये भी है। अभी एक अजीब घटना हुई एकदम से ही। वहाँ पे कक्कड़ था, एक हिरण की प्रजाति, कुत्ता यहाँ पे बैठा था और वहाँ पे दिख गया उसको। फिर हमारी नज़र गई तो भागता हुआ जा रहा था और चला गया पीछे को पहाड़ी के। कुत्ते पकड़ लेते हैं भाई? नहीं नहीं, कहाँ पकड़ने, कुत्तों के हाथ में कहाँ आएगा। ये कितने साल का है भाई? 4 साल का। 4 साल का हो गया है, देखिए। आप यहाँ पे ये कट क्यों करते हैं? ये ऐसे करते हैं इनको। ये आपने किया है? लोहे की रॉड से? लोहे की रॉड से। अच्छा अच्छा, ये देखिए यहाँ पे निशान लगा देते हैं बहुत सारे भेड़ पालक अपने डॉग्स में, पता नहीं कुछ मान्यता होती है ना। और यहाँ पे कैसे हुआ इसको? ये पट्टे से है। कैसे घास खा रही है? बोगी बोगी। ये देखिए दोस्तों इनका सबसे बड़ा बकरा है, ये शानदार। वो बड़ा बकरा भाग गया तो ये जा रहे हैं उसको लाने के लिए। देखिए दोस्तों क्या शानदार बकरा है। इसका नाम है बोलू। बोलू? हाँ बोलू। बोलू या भोलू? भोलू भोलू। अच्छा भोलू। हाँ, अभी तक मैंने जितने भी बकरे देखे हैं सबसे डेंजरस सींग है इसके, देखिए। और साइज भी देखिए। वहाँ से इनका बड़ा डॉग भी आ रहा है। उस डॉग का नाम क्या है? नोकू। नोकू 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 नोकू। हाँ नोकू। इसका नाम है टाइगर। ये आ गया। ये है इनका बड़ा डॉग, देखिए शानदार है, है ना। और वहाँ पे छोटी सी बकरी है। बेचना है इनको, पैसे कमाने, पैसे के लिए बेचना है इनको भाई, क्या करना हमने। इतने बड़े बकरे का रेट क्या होगा? इतने बड़े बकरे का रेट होगा 25,000 रुपये। 25,000? और इस कुत्ते के जो बच्चे थे वो आपने कितने में दिए? इसके कुत्ते दिए हमने 12,000 में। 12,000 में? हाँ, वो तो 4-5 थे। 4-5 बच्चे थे? सब बिक गए? सब एक ही है। कुत्ती एक ही है? हाँ जी। तेंदुआ वगैरह कहाँ मिलने यार, भगा देते हैं ये तेंदुए को, भगा देते हैं। अच्छा ये कितने साल का है? 2 साल का। अच्छा ये 2 साल का। और ये 4 साल का। ये बहुत फ्रेंडली है दोनों ही। इसका बेटा तो नहीं है ये भी? हाँ इसका बेटा है। ओ, 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 क्या कर रहा है ये? अरे छोड़ देता हमें इसको। छोड़ दो छोड़ दो, आधा दो रहा है। चल भाई। इसके कान पे आपने कट लगाया था वो? ये कट ऐसे ये लगाओ, ये ऐसे ये कांटों से लगाओ, मारते टुक। इसकी भी लो यार भाई, बॉयलर है इसका नाम। इसके भी लो यार। क्या नाम है इसका? बॉयलर है। बॉयलर? मजाक कर रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, करो कसम से रियल नाम लिखना। बॉयलर बोले बोले। कहाँ आई है? अरे बागी ना, डर रही है यार आप तो। डर गई। इन बच्चों के घर यही पे ही है, लोकल है ये। तो ये डॉग इतने ज्यादा फ्रेंडली है, मैं भी पहली बार मिला, मुझे भी कुछ नहीं किया इन्होंने। और इनके साथ भी देखिए। ऊपर कितने दिन रहेगा आपका डेरा? और कल है शायद। फिर निकल जाओगे आगे? ये भेड़ पालक बोल रहे हैं गर्मियों में और बरसात में इनकी भेड़ बकरियां छितकुल साइड चली जाती हैं किन्नौर में,
तो वहाँ पे मुझे बुला रहे थे। अगर बनी बात तो मैं ज़रूर जाऊँगा। देखिए कितना शानदार ये डॉग है। सो गया अभी, क्योंकि पूरी रात तो ये रखवाली करते हैं। आपका गांव कौन सा है? हमारा गांव है डोडराक्वार। अच्छा, तो डोडराक्वार शिमला डिस्ट्रिक्ट में है ना? हाँ जी, हाँ जी। रोडू साइड है? हाँ जी। आप घोड़े क्यों नहीं रखते साथ में? घोड़े ही नहीं है तो कहाँ से रखने। आपकी साइड से यहाँ पे जितने भी डेरे आते हैं डोडराक्वार से, अच्छा, तो उनके पास घोड़े होते हैं वैसे? नहीं 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 रखते। नहीं रखते, भेड़े भी रखी है। यहाँ पे तो दिखी नहीं। यहाँ पे नहीं है, भरे है। कम है? हाँ कम है, 200 है। 200 है? अच्छा, भेड़ों को अलग से चराने गए हैं? अलग से चराने गए। टोटल माल तो 500 से ऊपर होगा भी। कितना है? है 700-100 है। तो आपके सारे कुत्ते, मतलब जो बच्चे होते हैं, वो बिक जाते हैं आराम से? बिक जाते हैं, बिक जाते हैं। किसी ने कभी कंप्लेंट की है कि बच्चा ठीक नहीं निकला? नहीं नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं। क्यों निकलेगा खराब यार, जब नस्ल ही तो क्या नस्ल है, भयानक नस्ल है। और जो हमारी साइड आते हैं कांगड़ा के, चंबा के, मंडी के, कुल्लू के, उनके पास नस्ल अच्छी है ही नहीं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो बहुत सारे भेड़पालक देखते हैं और उनको भी ये बात पता है। आज से 10-11 साल पहले थे डॉग्स, अब नहीं है, क्योंकि भेड़पालकों ने काम करना छोड़ दिया है। डेरे बिक रहे हैं, इस बार भी बहुत सारे डेरे बिक गए। हमारे गांव में जो भेड़पालक आते थे, तो जैसे ही मैं इनकी उम्र का था तो मैं भी चला जाता था देखने के लिए, जैसे ये आए अभी। आपको कितना टाइम हो गया भेड़ बकरी के साथ? हो गए यार 7-8 साल। 7-8 साल? दिन तो हमला तो हमेशा करता है, रात को दिन को। अच्छा, करते रहता है, पर कुत्ते छुड़ा लेते हैं। ये कुत्ते छुड़ा लेते हैं? ऐसा हुआ है कभी कि कुत्ते डर गए हों? नहीं नहीं, चार चार कुत्ते कहाँ डरेंगे यार। इन कुत्तों को देख के लग रहा है कि ये तो डरेंगे नहीं, लेकिन जो हमारे साथ भेड़पालक आते हैं उनमें से कई बोलते हैं कि हमारे कुत्ते डर जाते हैं। कई कुत्ते तो उनके पास ऐसे होते हैं जैसे सड़क से उठाए हो उन्होंने। और फिर सच्ची बोल रहा हूँ मैं, जब बच्चे लेते हैं हम उनसे तो 1 रुपया कम नहीं करते, बाद में फिर कईयों के कान खड़े हो जाते हैं कई कुछ। फिर मैं जब उनको मैं बोलता हूँ कि जी आपके कुत्ते ऐसे निकले, तो बोलते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं है, बचपन में तो ठीक था। मिल जाएगा यहाँ से कुछ? यहाँ से तो गाड़ी लेनी पड़ेगी आपको। गाड़ी लेनी पड़ेगी? अच्छा अच्छा, मंदिर से बस मिल जाएगी? तू तो पश्चिम से मिलेगी ऊपर यार। अच्छा। ऐसे क्यों नहीं निकलते ऊपर शॉट? ऊपर से तो शॉट जा नहीं सकता मैं, अभी मैं आया और इतने सारे कांटे लग गए, तभी तो मैंने जूता खोला था। अभी जुराबों में भी कांटे लग गए अभी। अच्छा, चले जाना सीधे सड़क में पहुंचेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। जो छोटे छोटे लड़के थे लोकल, वो बोल रहे थे कि नेशनल हाईवे यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर है, तो पैदल जाना पड़ेगा वहाँ तक मुझे। देखिए दोस्तों, पानी कहाँ से आ रहा है, पहाड़ से हरिस के यहाँ से आ रहा है। मज़ा आ गया दोस्तों पानी पी के, बिल्कुल फ्रेश वाटर। रात हो गई है, खाना खा रहे हैं और मैं अभी शिमला में हूँ। HPU में पढ़ते हैं ये। मेरा नाम रंजीत ठाकुर है, हम यहाँ पर BEd कर रहे हैं, अभी BEd फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं अभी। मलका की दाल अभी खा लेते हैं दोस्तों, परांठे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हरिओम।